बाहरी इलाके में घूमते हुए मुझे एक सुपर रोबोट पड़ा मिला। उसके बाद से मेरी जिंदगी प्राइमेट की चमत्कारी ताकतों से भर गई। रोबोट मंकी जाग उठे और मुझे चीरो को उनका लीडर बना दिया गया। हमारा काम शुगासुम शहर को स्केलेटन किंग से बचाना। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर हुआ क्या? हम पर किसी कीड़े ने हमला किया था और यह फिर से आ गया। न्यूट्रॉन जनरेटर की एनर्जी बहुत कम हो गई है। मेरी थोड़ी मदद करो। एंटोनी, सभी इमरजेंसी पावर यहाँ डिफ्लेक्टर शील्ड की तरफ मुड़ो। ठीक है जीरो। उन्होंने रोबोट का क्या हाल कर दिया? उस कीड़े ने इसे बुरी तरह से तोड़ दिया। ओह, मुझे कीड़े बिल्कुल पसंद नहीं। और हम उनके बीच फंस गए हैं। खुश? अफसोस है कि वो तुम्हें नहीं लेकर गए स्पार्क्स। फिक्र मत करो रोबोट, हम तुम्हें ठीक करके रहेंगे। कहना आसान है, करना मुश्किल है जीरो। मेरे स्कैनर के मुताबिक रोबोट्स के टुकड़े इस पूरे इलाके में बिखरे। टीम अलग अलग होकर रोबोट के पार्ट्स ढूंढो। दोस्तों, मुझे एक इंजन मिल गया। ये ठीक है, पर फ्यूल सेल्स खाली हो चुके हैं। म्याँ, म्याँ। थंडर पंच! तो बताओ हमारे इंजन, तुम हमेशा मॉन्स्टर्स के साथ बात क्यों करते हो? चुपचाप लड़ नहीं सकते? स्पार्क्स, तुम नहीं जानते कि बात करने से क्या फायदा होता है। मंकी माइंड स्ट्रीक। ये भाग रहा है। हम यहाँ पर इंसेक्ट से लड़ने नहीं आए हैं। और हम नहीं जानते कि हम किससे उलझ रहे हैं। नहीं, पर ये जानती है। रुको, हमसे डरने की जरूरत नहीं। लगता है कि सब चले गए। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। अच्छे किटीज। ओके
ओके, देखो अब हम क्या करते हैं। मंकी टीम, बैटल सर्कल फॉर्मेशन। रुको, इसे कुछ मत करो। इसने मुझे मैंटाडोन से बचाया। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। मैं निकिता हूँ। मैं चीरो हूँ और ये हाइपरफोर्स है। हम मुसीबत में हैं और अपने रोबोट को ठीक कर रहे हैं। हमारा मिशन इस पर निर्भर है। तुम्हारा मिशन मतलब तुम यहाँ हमें बचाने आए हो? कथूरी को बचाने? वो एक सेकंड। कथूरी के वासियों, मैंटाडोन्स अपने आतंक से हमें काफी समय से तंग कर रहे हैं। इन नए दोस्तों के साथ हम अपने गांव की रक्षा के लिए लड़ेंगे। तुम बहुत ही क्यूट हो। आप और आपकी बहन मूर्ख हैं जो सोचते हैं हम मैंटाडोन्स को हरा सकते हैं। अगर इन मंकीज ने मैंटाडोन्स को दुश्मन बना लिया है तो जाहिर है वो इनके पीछे आएंगे। इन्हें गांव से निकाल दो। नहीं, ये कथूरियन परंपरा नहीं है। चलो हम अपने लीडर की राय लेते हैं। मैं तुम्हारी लड़ने की इच्छा को समझता हूँ निकिता, लेकिन हम अपना भाग्य अजनबियों के हाथ में नहीं सौंप सकते। कथूरियन होने के नाते यह हमारा फर्ज है कि हम इन मेहमानों को भोजन कराएं। इन्होंने आखिर तुम्हारी जान बचाई है, तो हमें ये सब खाना पड़ेगा। ये मूगोड है, योद्धाओं का खाना। पहले तो हमें यहाँ कर कीड़ों से लड़ना पड़ा, अब खाना पड़ेगा। तुम इसे खाओगे? लगता है इसे भूख लगी है। ठीक कहा, हम सबको लगी है। मैंटाडोन्स हमारे गांव पर हमला करके हमारे छोटे छोटे एनर्जी सोर्स छीन लेते हैं। क्या ये वाकई एनर्जी खाते हैं? इससे रोबोट्स पर हमले का कारण पता चलता है। हम उनसे जो कुछ छिपा सके उससे बहुत कम अनाज उगा सकते हैं। ओह, ये तो अफसोस की बात है। मैं मैंटाडोन का घोंसला ढूंढ रही थी, तभी तुमने मुझे देख लिया। मैंने सोचा था मैं उन्हें रोकने का तरीका ढूंढ लूंगी। हमें मुकाबला करना होगा वरना देर हो जाएगी। अब हम योद्धा नहीं हैं, पहले थे। हम काफी समय से शांति से रह रहे हैं, अब हम लड़ना भूल गए हैं। पर पो, अब बस, हम मैंटाडोन्स के गुस्से का सामना बिल्कुल नहीं कर सकते। वो कितने नर्म और प्यारे हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। मैं भी मदद करना चाहता हूँ, पर आधे से ज्यादा कैट्स हमारी मदद नहीं चाहते। ये हमारी लड़ाई नहीं है। कथूरियंस डर के साए में जी रहे हैं, वो इस सजा के हकदार नहीं है। स्पार्क्स शायद ठीक कह रहा है। हमारा पहला मकसद रोबोट को ठीक करके स्केलेटन किंग वॉर्म को ढूंढना है। हमारा मिशन यहाँ नहीं बल्कि वहाँ है। गिब्सन ने ठीक कहा। एंटावरी नोवा, मुझे भी उनकी हालत पर अफसोस है, पर मुझे लगता है हमारी दखलअंदाजी उनकी मदद नहीं बल्कि उनकी मुसीबत बन जाएगी। लेकिन फिर भी चीरो का फैसला हमें मंजूर होगा। चीरो? निकिता, मैं तुम्हारी और गांव की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन हमें कोई और जरूरी काम है। आई एम सॉरी। मैं समझती हूँ, हम जरूरी नहीं हैं। मैंटाडोन्स, वक्त नहीं है। चुप जाओ। अजनबी, मैं किसी अजनबी को नहीं जानता।
अच्छा जब पेट, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम तैयार हैं। हथियार नहीं बने, इन्होंने हमारी बदलने की शक्ति सोख ली। ओ नहीं, इनका पूरा सिस्टम काम नहीं कर रहा, हमें इनकी मदद करनी होगी। कोई फायदा नहीं, वो वापस आएंगे। जैसे ही स्पार्क्स इमरजेंसी एनर्जी सेल्स ले आएगा, हम आपको ठीक कर देंगे पहले की तरह। शायद ये सिल्वर मंकी उतना शक्तिशाली नहीं जितना सोचा था। दोस्तों, टिक्यूरू के हिसाब से पूरे 20 मेंटाडॉन्स हैं। वाह, हमारे हिस्से काफी मेंटाडॉन्स आएंगे। हम अपनी पावर्स के होते हुए 3 मेंटाडॉन्स को नहीं हरा पाए, तो पावर बिना सोच लो हमारा अंजाम क्या होगा। चीरो, मुझे सुन रहे हो? ओवर। सुन रहा हूँ स्पार्क्स। बुरी खबर है, ये इंसेक्ट्स रोबोट को घेरे हुए हैं। इन्होंने रही सही एनर्जी भी सोख ली है। मैं वापस आ रहा हूँ। स्पार्क्स आउट। चीरो, कभी कभी किस्मत हमारा रास्ता तय कर देती है। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा हुआ है। हमें अपना सामान उठाकर पहाड़ पर चले जाना चाहिए। सर्दी के मौसम में वो तो मेंटाडॉन्स का सामना करने से ज्यादा खतरनाक है। हमें लड़ना होगा। हम भी मेंटाडॉन्स के साथ लड़ना चाहते हैं। अपने हथियारों के बिना? हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप कभी योद्धा थे, आज रात आप फिर से योद्धा बनेंगे। पर कैसे? यहाँ रुकने के लिए चीरो, शुक्रिया तब कहना जब हमारी जीत होगी। क्या तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी? नहीं, वो तो मैं अपने आप ले लूंगी। हाँ।
मैं सुपर रोबोट। सभी सिस्टम अब काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरा सिस्टम भी। लेकिन मुझे कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिली है। मैंने मेंटेडॉन्स के टिश्यू की जांच की है, वो पहले कभी आम कीड़े थे। जैसा तुम्हारे सिर पर है। मुझे कीड़े पसंद नहीं। गिब्सन को ऐसे पार्टिकल्स जो स्केल्टन किंग वर्म के पार्टिकल से मेल खाते हैं, उसकी ही वजह से म्यूटेशन हुआ और मेंटेडॉन्स इतने बड़े और डरावने हो गए। वो हर जगह है और जब जब स्केलेटन किंग हमसे टकराएगा, हम उसे हराएंगे। नोवा, मैं तुम्हें मिस करूंगा। मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। ओ, ये ड्रामा बंद करो। ओ, प्यारे दोस्त, ये क्रू पूफ दुश्मन को हराने में मदद करेगा। थैंक यू चीरो। थैंक यू निकिता। पर किस लिए? एहसास दिलाने के लिए कि क्या जरूरी है।